ये है कि हम एक पूरे एक साल का जो अकादमिक सत्र 2022 देखते हैं उसके पूरी संरचना को समझ लें। तो आप देखेंगे कि पूरे हमने इस अकादमिक सत्र को टोटल जो है वो 22 सप्ताहों में बांट रखा है। 22 सप्ताह में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हर सप्ताह में हम काम करते हैं। उन 22 सप्ताहों में खास तरीके के स्ट्रक्चर के हिसाब से काम होता है, जिसको हमने अलग अलग सप्ताह की योजना का नाम दिया है, जिसको हम बोलते हैं कि साप्ताहिक शिक्षण योजना। साप्ताहिक शिक्षण योजना आपको अलग अलग हर सप्ताह में आपकी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका जो है उसमें देखने को मिल जाएगी, तो उसी के हम बात करेंगे यहाँ। अब देखा जाए तो देखिए कुछ इस तरीके का साप्ताहिक शिक्षण योजना आपके सामने दिखेगा। तो इसको ये ध्यान रखें कि किसी भी सप्ताह में जब शिक्षण योजना चलती है तो उसके मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं। शुरुआत के चार दिन जो होते हैं वो पहला हिस्सा होता है, पांचवा दिन जो है वो दूसरा हिस्सा होता है, और छठा दिन उस शिक्षण योजना का तीसरा और आखिर हिस्सा होता है। पहले हिस्से में जब हम शुरुआत के पहले और चौथे दिन की बात करते हैं तो उसमें हम मुख्य रूप से जो काम करते हैं वो करते हैं कि हम अलग अलग भाषा की दक्षताओं पर काम करते हैं। अब किन दक्षताओं पर हम काम करते हैं वो आगे चल के अभी हम बात करेंगे, बस यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि हम भाषा की अलग अलग दक्षताओं पर काम करते हैं और उसमें हमारी मदद करते हैं जो शिक्षण योजनाएं हैं और जो बच्चों के लिए कार्य पुस्तिका दी गई है उसकी जो पाठ है वो हमें संसाधन के तौर पर वहां पे मदद करते हैं। शिक्षण योजनाएं आपको शिक्षक संदर्भिका में मिलेंगी और वो आप देखेंगे, अभी हम उस पर बात करेंगे। अगली बात जब हम बात करेंगे कि पांचवें दिन क्या करते हैं, तो पांचवें दिन हम करते हैं पुनरावृत्ति या दोहराव का काम करते हैं। शुरू के चार दिनों में हमने जो कुछ भी पढ़ाया है, जिन अलग अलग दक्षताओं पर हमने काम किया है, जिन अवधारणाओं पर काम किया है, पांचवें दिन हम उसको पूरे दोहराने का काम करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति का काम करते हैं। पुनरावृत्ति की भी योजना आपको आपके शिक्षक संदर्भिका में मिल जाएगी, अभी उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। छठा दिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप भी जानते हैं कि निखिल भारत मिशन ये बोलता है कि बच्चों का सतत आकलन होना चाहिए, और आकलन आप करते हैं तो उसी समय रिमेडियल कार्य के द्वारा अगर बच्चे कुछ पीछे छूट रहे हैं सीखने में तो उनको हम स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं अपनी बदली हुई गतिविधियों के द्वारा। तो आकलन छठे दिन किया जाता है, और छठे दिन ही बच्चों के आकलन के बाद बच्चे घर पे जाके अपने अभिभावकों की मदद से, अपने भाई बहनों की मदद से, बड़े भाई बहनों की मदद से एक गृह कार्य कर सके, तो उसके लिए गृह कार्य का भी काम छुपो दिया जाता है। तो ये है मोटा मोटा जो है एक साप्ताहिक शिक्षण योजना का स्ट्रक्चर है। तो इसको यह ध्यान रखें कि इसमें तीन चरण है। पहले चरण में हम पहले से चौथे दिन हम नई दक्षताओं पर या अवधारणाओं पर काम करते हैं भाषा के, पांचवें दिन हम पुनरावृत्ति का काम करते हैं, और छठे दिन हम असेसमेंट का काम करते हैं। इन मुद्दों पर अभी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। एक यहाँ पे नोट करने की बात है, अभी हमारे स्कूलों में इस तरीके की शिक्षण योजना शुरू हो गई है, तो आकलन का काम जो है क्लास एक में शुरुआती चार सप्ताह तक, और क्लास दो और क्लास तीन में शुरुआती दो सप्ताह तक असेसमेंट नहीं किया जाता है, आकलन नहीं किया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि हम क्लास एक में शुरुआती चार सप्ताह और क्लास दो और क्लास तीन में शुरुआती दो सप्ताहों तक हम उभरती साक्षरता के अलग अलग पहलुओं पर काम करते हैं, तो उसमें आकलन नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके शिक्षक संदर्भिका में आकलन के जो पेजेज हैं, जो आकलन की जो योजना है वो आपको क्लास एक में पांचवें सप्ताह से और क्लास दो और क्लास तीन में आपको तीसरे सप्ताह से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने बोला था कि सप्ताह के शुरुआती दिनों में भाषा, चार दिनों में भाषा की अलग अलग अवधारणाओं पर काम होता है। इसके बारे में अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो जो अभी शिक्षक संदर्भिका आपको सॉफ्ट में मिली है तो उसके आप पेज नंबर 26 से 28 पर आप देख सकते हैं। उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं आगे यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसा मैंने, आप भी जानते हैं कि भाषा में कुल तीन कालांश हमें मिलते हैं। पहला कालांश होता है जिसमें हम काम करते हैं मौखिक भाषा विकास और उससे जुड़े हुए लेखन कार्य पर। दूसरा कालांश होता है डिकोडिंग का, डिकोडिंग और उससे जुड़े हुए लेखन पर हम इसमें काम करते हैं दूसरे कालांश में। और तीसरा कालांश होता है पठन विकास का, जिसमें हम बच्चे चीजों को कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसमें प्रिंट जागरूकता से लेके लोगोग्राफिक पठन और उसके आगे कैसे वो टेक्स्ट पढ़ेंगे, इस पर हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। काम कैसे करेंगे ये आगे हम इसको देखेंगे। अब देखिए, जैसे अगर हम पहले कालांश की चीजों पे गौर करें कि किस तरीके से काम होता है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा
कि पहला कालांश जो होता है वो 40 मिनट का होता है, जिसमें हम मौखिक भाषा विकास एवं संबंध लेखन पर काम करते हैं। अब इस कालांश में हम मौखिक भाषा की अलग अलग दक्षताओं पर काम करते हैं, और आप सभी जानते हैं और प्रशिक्षणों में हमने बार बार इस पर जोर दिया है कि मौखिक भाषा की दक्षताओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो मुख्य होता है कि बच्चा अपने विद्यार्थी जो है अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर पाए, कुछ नई चीजों के बारे में अनुमान लगा पाए। अगर वो कोई चित्र कहानी देख रहा है, कुछ पोस्टर देख रहा है, तो उसके बारे में वो तार्किक आधार पर अपने विचारों को आपके सामने रख पाए। और फिर अगर कोई लॉजिक दे रहा है, मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा कोई तर्क दे रहा है, उस तर्क से वो अपनी सहमति या असहमति दर्ज कर पाए। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो ये पहला कालांश जो होता है पूरे के पूरे तरीके से बच्चे के संप्रेषण कौशल को, उसकी तार्किक चिंतन को, उसके अनुमान लगाने के कौशल को, उसकी जिज्ञासा को, उसके प्रश्न करने के कौशल को इसमें हम विकसित करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी दक्षताएं जो है निपुण भारत के उद्देश्यों में भी दी गई है। एक इसमें हमने इस साल से एक अति महत्वपूर्ण काम जोड़ा है, वो है सामाजिक और भावनात्मक विकास पर भी हम काम हम इस साल से शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कोविड ने ऐसी परिस्थितियां कर दी हैं जिसके कारण ऐसा लगा, और ये निपुण भारत भी इस पर रिकमेंड करता है कि हमें बच्चों के साथ सामाजिक और भावनात्मक विकास पर काम करना चाहिए। तो उसके लिए किसी भी सप्ताह में आप देखेंगे तो पहला दिन और चौथा दिन, पहले और चौथे दिन में हम पहले कालांश में हम सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियों पर काम करते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियों पर काम कैसे किया जाएगा, ये आप जब शिक्षक संदर्शिका देखेंगे और किसी भी सप्ताह का पहले और चौथे दिन का पहले कालांश का शिक्षण योजना देखेंगे तो उसमें विस्तार से वो चीजें दी गई है। अब इसमें देखा जाए कि पहले कालांश में जब हम इन चीजों पर बात करते हैं या इन दक्षताओं को हम विकसित करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास संसाधन क्या क्या है, तो हम उसमें मदद लेते हैं पाठ्य पुस्तकों की, चित्र चार्ट की, कविता पोस्टर की, कहानी पोस्टर की, चित्र कहानी पोस्टर की, और शिक्षक बहुत सारे स्थानीय गीत, कविता, कहानी, खेल, अनुभव की चर्चाओं आदि के द्वारा उस पर काम करते हैं। और यहीं पर हम बच्चों से लेखन कार्य भी करवाते हैं। ध्यान रखा जाए कि मौखिक भाषा विकास में जो लेखन कार्य होता है वो रचनात्मक लेखन कार्य होता है। तो शुरुआती दौर में जब हम रचनात्मक लेखन कार्य करवाते हैं बच्चों से, जैसे बच्चा अपना अपने अनुभव के बारे में बता रहा है, कुछ अनुमान लगा के कुछ चीजों को लिख रहा है, अपने दोस्त के बारे में, अपने पसंदीदा खाने के बारे में कुछ लिखता है, वहां पे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखते हैं, हम वहां पे व्याकरणीय त्रुटियों पर ध्यान नहीं देते हैं, हमें देखते हैं कि बच्चा किस तरीके से अपने एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। दूसरा जो कालांश है वो है डिकोडिंग एवं संबंधित लेखन का। दूसरा कालांश आप जानते हैं कि इसमें हम अलग अलग तरीके से कैसे आप बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो वो वर्ण मात्रा की पहचान कर पाए, शब्दों को जोड़ तोड़ के पढ़ पाए, जिसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं, वो शब्दों को पढ़ पाए और फिर वो वाक्यांश पढ़ पाए, वाक्य पढ़ पाए। इससे संबंधित बहुत सारी गतिविधियां अलग अलग तरीके से खेलों के माध्यम से कुछ बच्चों जब आपस में जुड़ के ग्रुप में काम करते हैं, उप समूहों में काम करते हैं, ये सारी गतिविधियां इसमें कराई जाती है। और इसके लिए डिकोडिंग के लिए आप देखेंगे तो आप फिर से वही पाठ्य पुस्तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कविता पोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहानी पोस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों को विशेष रूप से डिकोडिंग पर काम करने के लिए दूसरे कालांश में हमने उनको एक कार्य पुस्तिका दी हुई है। कार्य पुस्तिका ध्यान रखें कि हर बच्चे को मिलेगी और उसमें अलग अलग तरीके की गतिविधियां हैं। कुछ गतिविधियां इस तरीके की हैं जो बच्चा अकेले करता है व्यक्तिगत रूप से, और कुछ गतिविधियां उसी कार्य पुस्तिका में ऐसी भी हैं जो बच्चे जोड़े बना के, मतलब दो दो के समूह में बना के और आपस में चर्चा करके उस काम को करते हैं। कार्य पुस्तिका जो है वो बच्चों को दी जाएगी। तीसरा कालांश जो है वो पठन विकास का होता है। पठन विकास में हम काम करते हैं जो है किस तरीके से बच्चे पढ़ पाएंगे, जैसा मैंने पहले भी बोला कि तो उसमें हम लोगोग्राफिक पठन की बात करते हैं और वो पढ़ने की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसमें हम अलग अलग शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सभी लोगों के स्कूलों में आप जानते हैं कि सहज की तीन पुस्तिकाएं दी गई हैं, सहज एक, सहज दो, सहज तीन करके। इस साल हम 5 नई बड़ी किताबें दे रहे हैं जिनको बिग बुक बोलते हैं, और वो हम देंगे इस सालों प्रिंट होके जाएंगी। बिग बुक एक बड़ी किताब होती है जिसमें अब शुरुआती 10 सप्ताहों तक काम होता है, और किसी एक सप्ताह में ही उस बिग बुक पर लगातार 4 दिन तक काम होता है। उन 4 दिनों में हम बिग बुक को खत्म करते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हर दिन
जब डिब्रू पर काम करता है तो पहले दिन से अलग थोड़ा सा दूसरे दिन काम होता है, दूसरे दिन से अलग तीसरे दिन काम होता है, और क्रमशः वो उसमें उसकी जटिलता में वृद्धि होती जाती है। बिग बुक पर काम कैसे करेंगे आपको इस, जब आप देखेंगे शिक्षण सामग्री वाले हिस्से में, वहां पर स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा, आप पेज नंबर 26 से 28 पर इसको देख सकते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि जैसे पहले बात हुई थी कि शिक्षक इसमें विशेष रणनीति बना के काम करता है। पहले तो टीचर खुद आदर्श पठन करेगा, फिर शेयर्ड रीडिंग के द्वारा उसको बातचीत पढ़ाने की तरफ पढ़ाया जाएगा, फिर गाइडेड रीडिंग होगी, और उसका बच्चे को हम यहाँ तक एक साल के अंदर यहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा एक स्वतंत्र पठन की तरफ अग्रसर हो पाए, मतलब बिना किसी की मदद के बच्चा किताब उठाए और वो पढ़ना शुरू कर पाए, इसको हम देखेंगे। अभी हमने बात किया था कि तीन कालांकों की बात की थी, शुरुआत के सप्ताह के शुरुआती चार दिनों में इन तीन कालांकों में पहले में मौखिक भाषा विकास का काम होगा, दूसरे में डिकोडिंग का काम होगा, और तीसरे में जो है वो पठन विकास का काम होगा। अब एक नजर हम डालते हैं कि इन तीनों कालांकों में जो हमने तीन अलग अलग मुद्दों पे काम करने की बात किया, जो भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और पठन, तो उनपे हम किन किन सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ज्यादातर सामग्रियां जैसे ये अभी आपके पास सॉफ्ट में जा रही होंगी, जिसको हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिकाएं बोलते हैं। इन क्रियान्वयन संदर्भिकाओं में पूरे एक साल के लिए यानी 132 दिन की शिक्षण योजनाएं 22 सप्ताह की आपको दी गई हैं, और कैसे किस कालांश में किस तरीके से ग्रुप बना के काम करना है, किस तरीके की आपको टीएलएम की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके की तैयारी की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको इस शिक्षक संदर्भिका में मिल जाएंगी। शिक्षक संदर्भिका हर शिक्षक को एक मिलेगी, और ये शिक्षकों के लिए है, शिक्षक शिक्षण योजना को समझने के लिए और उसको उपयोग में लाने के लिए। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा कहानी पोस्टर और कविता पोस्टर, ये आपके विद्यालयों में पहले से ही दिए जा चुके हैं। कहानी पोस्टर और कविता पोस्टर में आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से मौखिक भाषा विकास के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और इसमें इनकी संख्या आप जानते हैं कि कहानी पोस्टर 5 हैं, कविता पोस्टर 5 हैं, और जैसा मैंने पहले ही बोला था कि इनका उपयोग आप दूसरे कालांश में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य रूप से उपयोग होगा वो मौखिक भाषा विकास के लिए होगा। इसी तरीके से बिग बुक है और चित्र चार्ट है। बिग बुक का मैंने बताया था, बिग बुक ये 5 दिए जा रहे हैं, 5 आपको दिख रहे होंगे, हाथी और बकरी है, माँ और बच्चे हैं, मुर्गी के 3 चूजे हैं, शेर की गुफा है, चिड़िया है, ये हम पठन विकास के लिए दे रहे हैं। और चित्र चार्ट जो है फिर से ये 10 चित्र चार्ट बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं, ये आपके स्कूलों में है, जिनको हम मौखिक भाषा विकास के लिए हम उपयोग में लाएंगे। पाठ्य पुस्तक आप जानते हैं कि क्लास 1 में कलरों चलती है, क्लास 2 में किसलें चलती है, और क्लास 3 में पूरी चलती है, तो पाठ्य पुस्तक का भी उपयोग शिक्षक संदर्भिका जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आप किस तरीके से पाठ्य पुस्तक की मदद से मौखिक भाषा विकास और पठन के अलग अलग दक्षताओं को विकसित कर सकते हैं, और इसको आप चाहेंगे तो आप क्लास 2 में भी जो डिकोडिंग वाला है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सहज के बारे में मैंने पहले बात कर ली थी कि 3 सहज की पुस्तिकाएं हैं जो मुख्य रूप से जो है पठन के लिए, और मौखिक भाषा विकास में जब कहानियों पे सुनाने की बात होगी तो उसमें छोटी छोटी तमाम कहानियां दी गई हैं जो शिक्षक सुना के और उसपे बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कर सकता है। चित्र कहानी पोस्टर ये आपको दिख रहे होंगे 5 हैं अलग अलग, ये इस साल की नई सामग्रियों में से है। ध्यान रहे इस साल हम 2 तरीके की नई सामग्री दे रहे हैं, एक तो बिग बुक या बड़ी किताबें हैं और दूसरा है चित्र कहानी पोस्टर। चित्र कहानी पोस्टर मुख्य रूप से क्लास 2 और क्लास 3 के बच्चों के लिए उपयोगी है, और ये अंतिम के 5 सप्ताहों में हम इसका उपयोग करते हैं, 17वें से 22वें सप्ताह में हम इसका उपयोग करते हैं, और इसमें 4 अलग अलग चित्रों के माध्यम से बच्चा कहानी बनाने की शुरुआत करता है, वो कहानी खुद बनाता है, शिक्षक को सुनाता है, अपने साथियों को सुनाता है, तो ये किस तरीके का एक उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें बच्चा अनुमान लगाते हुए अपने तमाम अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए कुछ सृजन करने की तरफ आगे बढ़ता है। इसके अलावा आप लोगों के पास आपके पास ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका जो सत्र 2020-2021 के लिए दी गई थी उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी मौखिक गतिविधियां हैं, उसका भी उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं।
और ये कार्य पुस्तिकाएं हैं जो बच्चों को दी जाएंगी, और ये बच्चे प्रतिदिन के लिए, इसमें कुल 144 पाठ हैं, और प्रतिदिन बच्चा जो है सप्ताह में दूसरे कालांश में इसका उपयोग करेगा, और कार्य पुस्तिका पर बच्चे काम कर सके इसके लिए टोटल 20 मिनट का समय दिया गया है। दूसरे कालांश में बच्चे 20 मिनट में इस कार्य पुस्तिका के प्रतिदिन एक एक पाठों पर काम करेंगे, और जब इस पर वो काम कर रहे होंगे तो इसमें वो लिखने का भी काम करेंगे, कुछ ब्लेंडिंग का काम करेंगे, कुछ शब्द पठन का काम करेंगे, और पूरे वर्ष के अंत तक आते आते वो इसमें सक्षम हो पाएंगे कि कुछ वो छोटे छोटे टेक्स्ट को या छोटे छोटे पाठों को वो पढ़ सके। अब देखा जाए तो शुरू के 4 दिनों की योजना पर मैंने अभी बात की, शुरू के 4 दिनों की योजना में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि शुरू किसी भी सप्ताह में शुरू के 4 दिनों में हम नई दक्षताओं पर काम करेंगे। पहले कालांश में मैंने बात किया कि हम मौखिक भाषा विकास पर काम करेंगे, दूसरे कालांश में मैंने बात की कि हम डिकोडिंग पर काम करेंगे, और तीसरे कालांश में मुख्य रूप से पठन विकास पर काम करेंगे। उसके लिए हमने जो सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री है उसकी भी बात कर ली, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र सारक कहानी जो मौखिक भाषा विकास के लिए उपयोग में आती है, बिग बुक जो है, और सहज पुस्तिकाएं जो पठन विकास के काम में आती हैं, और डिकोडिंग के लिए जो है आपके पास कार्य पुस्तिका रहेगी, और इन्हीं सारी सामग्रियों की मदद से आप डिकोडिंग में भी आप मदद ले पाएंगे। और इन सारी योजनाओं को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो शिक्षक संदर्भिका जो है उसके एक एक दिन के योजनाओं को आपको देख के जाना होगा, और जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से उसमें है, ये हमारी जिम्मेदारियों में भी है कि जब भी हम क्लासरूम में जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, जैसा डीजी सर बोल रहे थे, और उस तैयारी में ये है कि हम शिक्षक संदर्भिका के उस दिन के लेसन प्लान को, जो शिक्षण योजना, उसको पढ़ते हैं, और पढ़ के फिर उसकी तैयारी से जाते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी और स्पष्टताएं इसमें बनती जाएंगी। आप सप्ताह के मैं 5वें दिन की बात करता हूँ, 5वां दिन जैसा मैंने पहले भी बोला था कि इसमें हम पुनरावृत्ति का काम करते हैं मुख्य रूप से। पुनरावृत्ति में क्या काम करते हैं कि इस दिन सप्ताह के शुरुआती 4 दिनों में जो भी अवधारणाओं पर काम हुआ है उसके हम दोहराव का काम करते हैं ना? और दोहराव के लिए आप जानते हैं कि कालांश 2 में जो बच्चों की कार्य पुस्तिका दी गई है उसमें एक पेज जो सप्ताह के 5वें दिन का होगा वो पुनरावृत्ति के नाम से उसमें दिया गया है, और उसमें सप्ताह के 4 दिनों में खास करके डिकोडिंग में जिन दक्षताओं पर काम किया गया है उसके दोहराव का काम आपको कार्यपत्र के द्वारा या पुनरावृत्ति का काम कार्यपत्र के द्वारा वो बच्चों के साथ करना है। अब सप्ताह का 6वां दिन, इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल थे ग्राउंड से और इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो एक तो सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर और थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना है तो कक्षा 2 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका का पेज नंबर 22 और 23 पर आप जाएंगे तब वो आकलन का जो 6वें दिन हम करते हैं साप्ताहिक आकलन उसकी पूरी प्रक्रिया को बहुत विस्तार से दिया गया है। और ट्रैकर, इसमें एक ट्रैकर की बात आएगी तो साप्ताहिक आकलन का ट्रैकर आपको पेज 174 से मिलना शुरू हो जाएगा और उसके आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो स्पष्ट रूप से उसमें मिलेगा। तो मैंने पहले ही बताया था और अभी एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सप्ताह का 6वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसमें हम शुरू के 4 दिनों में जिन जिन दक्षताओं पर हमने काम किया है उसका हम आकलन करेंगे, और इस आकलन में आकलन के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे आकलन कर लेंगे उसके आधार पर हम बच्चों को 2 अलग अलग समूहों में बांटेंगे। समूहों में किस तरीके से बांटेंगे, काम कैसे होगा, वो आगे हम अभी विस्तार से बात करेंगे। और समूह में बांट करके कुछ बच्चों के साथ जो समूह 1 के बच्चे होंगे उनके साथ रिमेडियल कार्य करेंगे और दूसरे बच्चों के साथ हम पुनरावृत्ति का काम करेंगे, किस तरीके से होगा आइए देखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये पूरी देखा जाए तो पूरे सप्ताह का जिस्ट है ये किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो पहले 4 दिन हमने बोला था कि नई दक्षताओं पर काम होगा, 5वें दिन पुनरावृत्ति पर काम होगा, 6वें दिन साप्ताहिक आकलन पर काम होगा, साप्ताहिक आकलन के बाद समूह निर्धारण होगा और इसमें फिर हम समूह 1 के साथ रिमेडियल कार्य करेंगे और समूह 2 के साथ हम पुनरावृत्ति या अभ्यास कार्य करेंगे। अब देखिए साप्ताहिक आकलन, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि आकलन की पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से डिकोडिंग की दक्षताओं पर आधारित है। डिकोडिंग की दक्षताओं पर आधारित है तो इसमें हम जो कालांश 2 में हम जो काम करते हैं उसका आकलन ही हम मुख्य रूप से करते हैं। मौखिक भाषा के आकलन, मौखिक भाषा और पठन का हम आकलन नहीं करते, उसके लिए हमने एक शब्द यूज किया है ऑब्जर्वेशन,
या अवलोकन करते हैं, वो कैसे करते हैं हम आगे बात करेंगे। तो हम पहले ये देखिए कि दूसरे क्लास में शुरू के चार दिन में जो पढ़ाया गया है, छठे दिन उसी का आकलन किया जाएगा हमारे ऊपर, और आकलन के लिए हम टोटल 80 मिनट का समय लेते हैं। यानी आपके पास जो दूसरा कालांश है और जो तीसरा कालांश है, उन दोनों को मिला के हम आकलन की प्रक्रिया के लिए उस दिन उपयोग में लाते हैं। आकलन के लिए आप देखेंगे कि हर सप्ताह के छठे दिन आकलन के लिए आपको कार्य पुस्तिका में ही एक पेज दिया गया है, जिसको बोलते हैं, पेज का नाम ऊपर लिखा हुआ है मैंने सीख लिया, और इस पृष्ठ का रंग लाल है और हर सप्ताह के आकलन का पृष्ठ का रंग वो रेड है। उसी की सहायता से हम वहां पे आकलन करेंगे। जैसे एक आपको पेज दिख रहा होगा, ये उसी 12वें सप्ताह का है, तो आकलन हम इस तरीके का पेज दिखेगा और इसके आधार पर हम नंबरिंग करके और बच्चों का आकलन करेंगे और आकलन का उसको ट्रैकर में भरेंगे। जैसा मैंने बोला था कि आकलन जब हम कर रहे होंगे सप्ताह के छठे दिन, तो आपको दो समूह बनाने हैं। तो डिकोडिंग संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं वो समूह एक में जाएंगे, और डिकोडिंग संबंधित आकलन में जिन बच्चों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं वो समूह दो में जाएंगे। यहाँ ध्यान रखें कि ये जो ग्रुप हम बनाएंगे, ये शिक्षक अपनी सुविधा के लिए बनाता है। क्लासरूम में ये किसी भी तरीके से इंडिकेट नहीं होना चाहिए कि ये समूह एक है, ये समूह दो है, या कुछ कमतर जानने वाले बच्चों का समूह है या कुछ ज्यादा समूह है। ये हमें एकदम नहीं करना है। शिक्षक ये समूह अपने मस्तिष्क में बनाएगा और काम उस ग्रुप के लोगों को अलग अलग तरीके के दिए जाएंगे, जहां पर थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत होती है। अब अगर देखा जाए तो इस तरीके से किस तरीके से हम बात करेंगे। पहला समूह मैंने पहले ही बोला कि 50% से कम अंक जो प्राप्त करेंगे, तो उसमें देखिए आकलन जब भी हम करेंगे दूसरे और तीसरे कालांश को मिला के सप्ताह के छठे दिन, तो दो ही तरीके के मुख्य रूप से आकलन हो रहे होंगे डिकोडिंग के लिए। एक तो हम ये चेक करेंगे कि क्या बच्चा वर्णों की पहचान कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, पहचान में उसका पढ़ना भी आ जाता है। दूसरा आकलन होगा कि क्या वो बच्चा कुछ वर्णों या अक्षरों को मिला के ब्लेंड करके वो शब्द पठन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये हम चेक करेंगे किसी भी सप्ताह के छठे दिन जब हम डिकोडिंग के लिए आकलन कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर सपोज करिए कि बच्चा वर्ण स्तर पर कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम उस सप्ताह में वर्ण अक्षर हम पढ़ाए गए हैं उनके हम दोबारा पहचान करने के लिए कुछ गतिविधियां करेंगे। वर्ण अक्षरों को शब्द में ढूंढकर गोला लगवाने का, ग्रिड से हम वर्ण अक्षर को पहचानने का काम, कॉपी पे हम अलग से उन्हीं वर्णों को लिखने का काम, या अतिरिक्त रूप से कुछ गृह कार्य भी उनको दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर शब्द पठन स्तर पर बच्चे को कार्य करने में दिक्कत है, तो वर्णों अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने का अभ्यास करवाना पड़ेगा और फिर वो पढ़वाने का और लिखवाने का अभ्यास करें। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभ्यास कार्य के लिए एक पेज, आधा पेज इसमें दिख रहा है, ये मैंने सीख लिया पेज जो छठे दिन आपको मिलेगा उसी में ये आधे पेज पे अभ्यास कार्य के लिए है। तो यहाँ पे इस पेज का उपयोग भी आप इस तरीके के रेमेडियल कार्य के लिए कर सकते हैं, और अगर ये भर जाता है तो बच्चों की कॉपी में या व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, जो भी है वहां पे आप वर्ड स्तर पर कार्य या शब्द स्तर पर कार्य जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। गृह कार्य देना होगा तो बच्चों को कॉपी में भी दे सकते हैं, लेकिन इस स्पेस का उपयोग आपको अभ्यास कार्य के लिए वो करना है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जो बच्चे आपके आकलन में 50% से कम अंक अधिक अंक प्राप्त करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने उस सप्ताह में सिखाई गई दक्षताओं को जान और समझ लिया है। तो फिर उनको अभ्यास कार्य आप खुद से दे देंगे और या तो उनको पढ़ने के लिए स्वतंत्र रूप से आप मौके दे सकते हैं और इस तरीके से वो चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि समूह एक के बच्चों के साथ में यहाँ पे विशेष रूप से काम करने की जरूरत होगी, और उनको आप अलग अलग तरीके से वर्ण स्तर पर अगर बच्चे को जरूरत है या शब्द पठन स्तर पर बच्चे को जरूरत है तो वो काम करने के मौके आपको देने पड़ेंगे। जब आप वो पूरा आकलन कर लेंगे और इस तरीके से आपको ये ट्रैकर दिखेगा, जैसा मैंने बोला था ये पेज नंबर 174 पर क्लास 2 के शिक्षक संवर्तिका में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से क्लास 3 और क्लास 1 में भी इन्हीं पेजेज में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बच्चों के नाम लिखने हैं और बच्चों के नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए डिकोडिंग का एक सिंबल बना हुआ और एक मौखिक भाषा का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के नाम लिखेंगे और
बच्चों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो कि शिक्षक संदर्भिका में है तो इसको केवल शिक्षक ही देख सकता है। तो आप वो अंक लिखते जाएंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने प्राप्त किया रोल नंबर एक में 7 अंक, तो 7 लिख देंगे, किसी ने 4 पाया तो 4 लिख देंगे, इस तरीके से आप लिखते जाएंगे और जो 5 से कम है उस पर आप गोला लगा देंगे। 5 से कम उस पर गोला लगाने से फायदा ये होगा कि जब आप बच्चों को ग्रुप में बांट रहे हैं तो 40 बच्चों हैं अगर मान लीजिए, तो आपको आसानी से गिनने में आसानी होगी कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो समूह 1 में जाएंगे और कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो समूह 2 में जाएंगे, और फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था कि तो डिकोडिंग की बात हो गई, लेकिन मौखिक भाषा विकास में इस तरीके का कोई पेपर पेंसिल टेस्ट या असेसमेंट नहीं है। इसमें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम अपनी चीजों को दर्ज करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि जैसा पहले भी हो रहा था कि ये पूरा का पूरा बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था है, जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर के मौके, ज्यादा से ज्यादा बोलने के मौके दिए जाएंगे। शिक्षक उसको केवल निर्देशित करेगा और शिक्षक एक एक बच्चों को ऑब्जर्व भी करेगा। तो शिक्षक अवलोकित करेंगे, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कौन सा बच्चा, जब हम पहले काला से हम काम करते मौखिक भाषा विकास पर, तो किन किन दक्षता पर, जैसे मान लीजिए अनुमान लगाने पर काम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तुरंत अनुमान लगा लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को मदद की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम केवल अपने अवलोकन नोट करेंगे मौखिक भाषा विकास में। तो जिस तरीके से मान लीजिए जब लगता है कि जो बच्चा लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है उस सप्ताह की, अभी उसको वो मदद करने की जरूरत है, तो वहां पे उसके नाम के आगे केवल हम एक डैश लगा देंगे और जो बच्चा प्राप्त कर पा रहा है उसको हम टिक लगा देंगे। यही काम करना है, इसमें कोई अंकीय व्यवस्था नहीं है। ध्यान ये रखना है कि पूरे 1 महीने के दौरान शिक्षक ये इंश्योर करे कि हर बच्चे से कम 2 बार वो व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्ट जरूर करे, मतलब बातचीत जरूर करे मौखिक भाषा विकास में, उससे सवाल जवाब करे, उसको अवलोकित करे, क्योंकि उससे पुख्ता होगा। जेनरिक ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए कि क्लासरूम में हम लगातार देखते जा रहे हैं और उस तरीके से लिख रहे हैं। तो इंश्योर हम करेंगे कि 4 सप्ताहों में कम से कम 2 बार हर बच्चे काम इस लिहाज से ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हम इस ट्रैकर को भर पाए, और फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पे टिप्पणी भी देंगे, टिप्पणी भी लिख सकते हैं। टिप्पणी में हम अपने हिसाब से मौखिक भाषा विकास में किस तरीके से उसको मदद की जरूरत है, क्या वो बेहतर कर सकता है, इस तरीके की हम यहाँ पे टिप्पणी लिख सकते हैं। और इस तरीके से जब हम काम कर रहे होंगे पूरे स्ट्रक्चर में, तो निसंदेह हम जो चाहते हैं